दोस्तों, मैं आज आपके लिए घेवर बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। घेवर की चाशनी तैयार कर लेंगे। घेवर की चाशनी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप चीनी और ये 1/2 कप पानी। इसकी चाशनी बना लेंगे। ये चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब गैस ओवर देंगे बंद। घेवर के लिए रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कप दूध लिया है। इसकी रबड़ी बना लेंगे। इसको चलाते जाएंगे। दूध में उबाल आ चुका है, अब इसको चलाते जाएंगे। इसी तरह दूध को चलाते रहेंगे। घेवर का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कप डालडा। इसमें डाल देंगे और ये आइस। इसको इसी तरह चलाएंगे। इसको एकदम क्रीमी जैसा बना लेंगे। इसको इसी तरह 5 मिनट के लिए चलाते रहेंगे। देखिए क्रीम जैसा बनने लगा है। इसको थोड़ी देर और चला लेंगे। देखिए एकदम क्रीम जैसा बन गया है। अब इसकी ये आइस निकाल लेंगे। अब इसमें 2 कप मैदा डालेंगे। थोड़ी थोड़ी करके डाल लेंगे, सारी एक साथ नहीं डालनी है। इसको मिलाएंगे। इसी तरह ये भी मैदा डालकर मिला लेंगे। इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। ये सारी मैदा इसी में डाल देंगे। हमने यहाँ पर 2 कप मैदा डाल दिए। अब इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। अब इसमें मैदा अच्छे से फेंट लिए। अब इसमें पानी डालकर इसको फेंट लेंगे। और मैंने यहाँ पर बिस्क का यूज किया है, आप हाथों से भी कर सकते हैं। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छी से फेंट लेंगे। इसमें एक पानी डालकर इसका पतला गोल बना लेंगे। ये एकदम चिल्ड पानी है। इस तरीके का बैटर करना है, एकदम पतला। ये 1/2 नींबू इसमें डाल देंगे। इसको मिला लेंगे। गैस पर रिफाइंड ऑयल गर्म होने रख दिया है और ये गर्म हो चुका है। घेवर आज हम सांचे में नहीं बनाएंगे, आज हम पतीले में बनाएंगे। रिफाइंड ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे ये बैटर। धीमे से चम्मच करके डालना है।
इसी से इसमें बीच में गोल कर देंगे। गैस को हाई फ्लेम पे कर देंगे। इसमें एक एक चम्मच करके डाल दिया आएंगे, ज्यादा नहीं डालना, नहीं तो ऊपर फैल जाएगा। और बीच में इसमें होल बनाते जाएंगे जिससे इसमें ब्रेड आ सके। हमारा घेवर अच्छे से सिक चुका है, उसको निकाल लेंगे। इसको एक प्लेट पर निकाल लेंगे। इसी तरह सारे घेवरों को तैयार कर लेंगे।